सामने से युद्ध हार गए तो छल पर उतर आए फिरंगी। क्या करूं राजकुमारी, वह बिन होए ना प्रीत। वैसे बहुत सैनिक मारे तुमने, काश मैं वहां होता तुम्हें देखने के लिए युद्ध भूमि में। एक बार मेरा हाथ खोल दे, यहीं पर युद्ध भूमि बना दूंगी मैं। मैं तो कब से हार के बैठा हूं तुम्हारे लिए, तुम स्वीकार नहीं कर रही। लचार! फिर से बुलाओ मुझे नाम से। कितना अपनापन है तुम्हारी आवाज में। लेकिन शादी से पहले ही विधवा क्यों होना चाहती हो? अग्नि साक्षी है कि तुमने मेरे भेजे गए प्यार भरे तोहफे अग्नि कुंड में चला दिए थे। आज उसी अग्नि को साक्षी मान के मैं तुम्हारे साथ साथ फेरे लेने वाला हूं। बहुत जल्द तुम्हें लोग राजकुमारी कल्याणी नहीं, मिसेस फ्लेचर कहके बुलाएंगे। मैंने सारी तैयारी कर ली, तुम और बड़म्बा दोनों मेरे होगे हमेशा के लिए। इस कचरे में तुम बहुत सुंदर लगोगे राधा मणि। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज हमारी 12वीं सालगिरह है राधा मणि। आज मैं चाहती हूं कि आप कहीं ना जाएं, घर पे ही रहे, पूरा दिन हम साथ ही बिताएं, एक एक पल। क्या राधा को याद है कि आज क्या है, या ऐसे ही बोल रही है? क्या सोच रहे हैं? यही कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो राधा मणि। और दिन नहीं लगती? नहीं लगती हो, लेकिन आज कुछ खास है। ये से गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? बोल क्यों नहीं देते कि आज हमारी साल गिरा है? क्या उन्हें याद नहीं? कुछ है ना खास? मेरे लिए तो आपके साथ बिताया हर दिन खास। नहीं तो तुम ऐसे ही कह रही थी कि रुक जाओ कहीं मत जाइए, ऐसे ही कह रही थी। हाँ क्यों, कहीं जाना है आपको? कहाँ, कहीं तो जाना है। अगर राधा को याद होगा तो मुझे जरूर रोकेगी। जाना है कहीं? तो मतलब इनको तो सच में याद नहीं है। तो फिर जाओ, जाओ। हाँ अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। अरे रुका ही नहीं, कुछ तो बोलिए।
अरे राधा देखो मुझे, मेरी खुशी देखो, अरे क्या है याद करो, ऐसे कैसे भूल सकती हो। ओपा आई, बेचारी सच में भूल गई होगी, दिमाग घर के कामों में उलझा होगा इसलिए याद नहीं रहा। क्या हुआ बाबा, अप्पा कहाँ है बताइए ना बाबा, कहाँ है अप्पा? ढाकी कहाँ है अप्पा? उन्हें फिरंगियों ने बंधक बना लिया है। उस हार का फ्लेचर ने ऐसे बदला लिया है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता बाबा, मुझे कल्याणी अप्पा वापस चाहिए, मुझे कल्याणी अप्पा वापस चाहिए बाबा। हम लाएंगे कल्याणी को वापस लाएंगे। हमें पड़ोसी राज्यों से जहां कहीं से भी मदद मिले लेनी पड़ेगी। अगर कल्याणी को फ्लेचर से कोई बचा सकता है तो वो केवल बख्शी चकबंधु ही है। सेनापति कालिंदी, आज्ञा महाराज। किसी संदेशवाहक को आप बख्शी चकबंधु के पास भेजिए। जो आज्ञा महाराज। बख्शी चकबंधु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। छेना पोड़ो, छेना गजा, डालमा, मालपुआ, रसोबड़ी, घियो पिठा, ये सब बनेगा। ठीक अच्छे, जल्दी बने वो। ये सब तो मेरी पसंद की चीजें हैं। राधामणि, आज कुछ खास है क्या? नहीं, इतने पकवान जो बन रहे हैं। नहीं, क्यों, आपको कुछ और खाना है क्या? नहीं, जितना है अच्छा है। कोई तो बात है, कुछ खास लग रही हैं आप, कुछ तो है। शायद आपकी नजरों में ही कोई बात है। अब वो क्या बात है ये तो आप ही जानते हैं। आज्ञा आपको बड़ी माँ बुला रही है। राधामणि को तो याद ही नहीं है। पक्षी जी हमारे पनीग्रहण की तिथि भूल गए हैं। शायद 12 साल बाद ऐसा ही होता होगा। कोई बात नहीं, याद नहीं आए तो ना सही, लेकिन बस आज वो कहीं ना जाए, सिर्फ मेरे पास बैठे। आज इनसे पल भर भी दूर होने का मन नहीं है। कोई पत्थर मारने नहीं आया हूं, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, और कोई जासूसी करने भी नहीं आया हूं मैं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, बल्कि आपने उस दिन मुझसे जो भी कहा, जिन बातों पर मुझे गुस्सा आया, वो बातें बिल्कुल सच थी, इसलिए मुझे चुप गई। मेरे अपने ही घर में मुझे कोई कुछ नहीं समझता, कोई मेरा समर्थन नहीं देता, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। हम समर्थन कर सकते हैं, तुम्हें सेनापति भी बनवा सकते हैं, अगर तुम हमारा समर्थन करो। सच? मतलब समर्थन? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? दुश्मन की हर कमजोरी हमारी ताकत है। तुम मेरे खबरी बनोगे? अपने भाई की हर खबर पहुंचाओगे हमारे पास?
बहुत अच्छा, वैसे अच्छे मौके पर है, आज मेरी शादी है, जानते हो किसके साथ? बड़म्बा की राजकुमारी कल्याणी के साथ। इसका मतलब बड़म्बा पर कंपनी का शासन होगा और दादा का सपना कभी पूरा नहीं होगा। राधामणि, राधामणि की कारीगरी लगती है। क्या ये आपने? और ये आपने? मतलब आपको याद था? और आप भी नहीं भूले? देवी, बारह साल राधामणि जी, ऐसा लगता है कभी कभी मानो कितनी जिंदगियां जी ली हो आपके साथ, और कभी कभी लगता है कि कल की तो बात है जब पहली बार आपको देखा था। मुझे आज भी याद है, कितना घबराई हुई थी मैं, डरी हुई थी आपसे मिलने से पहले। क्यों, इतनी बुरी बातें सुनी थी मेरे बारे में? नहीं, खुद ज्यादा ही अच्छी। तो आशा है कि मैंने आपको निराश नहीं किया। मैं वचन देता हूं आपको कि अगर कभी भी कोई हमारे बीच में आएगा तो केवल मैं थे। इस सैनिक के रहते मैं बाहर कैसे जाऊं? इसने मुझे देख लिया तो हल्ला मचा देगा।
बाकी सैनिक भी आ जाएंगे और मैं निकल नहीं पाऊंगी। इसे किसी तरह अंदर बुलाना होगा। ये महाराजा और महारानी के लिए, सालगिरह के लिए निमंत्रण के साथ दिए जाने वाली भी। मैं जल्दी लौटूंगा। मुझे आश्वासन दीजिए कि आप रोड़ंग आएंगे सीधा पुरी से और कहीं नहीं जाएंगे। राधा मणि, और कहाँ जाऊंगा? पता नहीं क्यों आज बहुत डर लग रहा है आपसे दूर रहने में। जी घबरा रहा है। इस यात्रा में तुम्हारा ख्याल मेरे साथ रहेगा और मेरा ख्याल तुम्हारे। फिर दूरी कैसी, कौन सी दूरी, कैसी दूरी? सूर्यास्त के पहले लौटाऊंगा। राधा, मेरी पाणि ग्रहण की 12वीं मंगल तिथि है, माने अनुष्ठान रखा है और हम सबकी बहुत इच्छा है कि आप और महारानी हमारी इस खुशी में सम्मिलित हो। अग्रिम बधाई हो आप दोनों को। ईश्वर की कृपा इसी तरह बनी रहे आप दोनों के प्रेम और विश्वास पर। बहुत छोटा था मैं उस समय, लेकिन आपके पाणि ग्रहण की कुछ यादें हैं। माँ और बाबा के साथ आया था मैं। कितना कुछ बदल गया है 12 सालों में। जी। हमारी ओर से एक छोटा सा उपहार कुलस्वामिनी के लिए। राधा को यह उपहार बहुत पसंद आएगा। हम सबको आप दोनों की प्रतीक्षा रहेगी। इतना सुंदर रिश्ता है ना इन दोनों का। इतना कुछ सहने के बाद भी एक दूसरे के लिए इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना विश्वास। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रुको, वो इतनी जल्दी यहां से बाहर नहीं निकली होगी। सेनापति जी, बाडम्बर नरेश का आपके लिए संदेश है। राजकुमारी कल्याणी को फ्लेचर ने बंधक बना लिया है। मुझे राजकुमारी कल्याणी को हर हाल में बचाना होगा, लेकिन राधामणि को मैंने वादा किया था कि सालगिरह के लिए मैं जल्दी लौटूंगा। आने जाने के हर रास्ते पे सैनिक है। वो यहीं कहीं होगी।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।